हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आप फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल टेक्नो स्टडीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू के बारे में। तो ये पीजीडीसीए में भी है और एमएससी में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का डायग्राम है। इसमें डेटा इनपुट हो रहा है स्टोरेज यूनिट के माध्यम से, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज और कंट्रोल यूनिट और ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यहाँ है, जो डाटा फ्लो कंट्रोल फ्लो हो रहा है और आउटपुट से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसमें तीन यूनिट हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं, इनपुट यूनिट, CPU और आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट के बारे में जानते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट के द्वारा यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है, इसे निवेश युक्ति भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का वह भाग जो निर्देशों और डाटा को लेता है उसे इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर में भेजे गए डाटा तथा निर्देश बाइनरी भाषा में लिखे होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। अतः कंप्यूटर बाइनरी डेटा व निर्देशों को आसानी से पढ़ सकता है तथा क्रियान्वित कार्य कर सकता है। यह डाटा व निर्देश इनपुट डिवाइस की मदद से बाइनरी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यूजर द्वारा नहीं। कंप्यूटर सिस्टम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित डिवाइसों में से एक या उससे अधिक डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस है माउस, पेपर टेप राइडर, लाइट पेन, MICR, पंच कार्ड रीडर, OCR, कीबोर्ड। दूसरा क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अरिथमेटिक संबंधी कार्य करती है, लॉजिकल निर्णय लेती है और दूसरी यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करती है। ये किसका कार्य है? CPU का। यह समस्त स्टोरेज उपकरण को शामिल करती है, अतः सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की कंप्यूटर को ब्रेन कहा जाता है। अतः सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क। जिस तरह मनुष्य के सभी अंग ब्रेन के नियंत्रण में कार्य करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम के सभी भाग CPU के नियंत्रण में कार्य करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य भाग होते हैं, जिनमें पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो पहला कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर की सबसे जटिल यूनिट होती है। यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन करती है। कंप्यूटर की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए यह यूनिट विशेष तरह के टाइमिंग व कंट्रोल सिग्नल उत्पन्न करती है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। पहला है इनपुट डिवाइस से सूचना प्राप्त करना, डेटा तथा निर्देश को उचित रजिस्टर तथा मेमोरी तक भेजना, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को डाटा उपलब्ध कराना तथा ALU से प्राप्त परिणामों को आउटपुट डिवाइस तक भेजना तथा मेमोरी में स्थान देना। आउटपुट डिवाइस को परिणाम प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करना। अब दूसरा जान लेते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें सभी तरह के अंकगणितीय प्रक्रियाएं जैसे ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड इत्यादि व साथ ही सभी लॉजिकल फंक्शन जैसे कंपेयर, शिफ्ट, रोटेट एंड और इत्यादि क्रियान्वित करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट से निर्देश तथा मेमोरी यूनिट से डाटा प्राप्त करता है। गणना से प्राप्त परिणाम ALU द्वारा मेमोरी में भेजे जाते हैं। ALU के विभिन्न भाग एडर, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, काउंटर तथा शिफ्टर होते हैं। तीसरा जान लेते हैं, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट सभी निर्देशों तथा डाटा को संग्रह करती है और इस यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी या इमीडिएट एक्सेस मेमोरी IAM भी कहा जाता है। आदर्श मेमोरी वह है जिसमें सभी सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता के अनुसार तीव्रता से सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि मेमोरी यूनिट की बनावट के कारण इसमें शीघ्र आवश्यक डेटा तथा निर्देशों की सूचना को एक सीमित रूप से संग्रह किया जाता है। सूचनाओं के शेष भाग को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में संग्रह किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरे ऑक्सिलरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या बैंकिंग स्टोर्स कहा जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी में फ्लावी या मैग्नेटिक टेप होते हैं। यह बहुत उपयोगी है। मेन मेमोरी की तुलना में यह धीमी तथा यह CPU का भाग नहीं होता। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक लोकेशन होते हैं यानी एड्रेस होते हैं। प्रत्येक स्थान का एक एड्रेस होता है। किसी मेमोरी में कुल कितने स्थान होंगे यह मेमोरी की क्षमता पर निर्भर करता है। मेमोरी की क्षमता 256 KB से 2 GB तक हो सकती है। तीसरा जान लेते हैं, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट यूजर को परिणाम प्राप्त करती है।
जिस तरह इनपुट यूनिट यूजर कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करती है, उसी तरह आउटपुट यूनिट भी यूजर तथा कंप्यूटर के बीच में संचार के लिए लिंक बनाती है। जब कंप्यूटर में विशेष निर्देशों के अनुसार डाटा पर ऑपरेशन किया जाता है, तब इस यूनिट की सहायता से ही कंप्यूटर यूजर को सूचना प्रदान करता है। यद्यपि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में कार्य करता है, पर इसके द्वारा दिए गए आउटपुट में यूजर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जिस भाषा में आउटपुट दिया जाता है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इनपुट उपकरण की तरह ही आउटपुट उपकरण भी होते हैं, जो निम्न हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, साउंड कार्ड। प्लीज़ यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।